लेकिन दोनों के नाम अलग अलग कर देते हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी रहती है, मार्केटिंग टैक्टिक रहती है बहुत सारी कंपनीज की। आज हम लोग जानेंगे कि शेयर्ड होस्टिंग और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और जब भी आप लोग कोई होस्टिंग परचेस करते हैं खासकर कि वर्डप्रेस के लिए, तो आप लोगों को दो ऑप्शंस दिखते होंगे, एक तो शेयर्ड होस्टिंग का और दूसरा वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग का। आज हम लोग इन दोनों के डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस है, कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है, क्या बेटर है, क्या एक्चुअल में वर्थ है कि आप लोग उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करें, और देखेंगे कौन से अच्छे होस्टिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ऐसी होस्टिंग कंपनीज है जो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों एक ही बेचती हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग कर देते हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी रहती है, मार्केटिंग टैक्टिक रहती है बहुत सारी कंपनीज की। जैसे कि मैं साइटग्राउंड की बात करूँ तो साइटग्राउंड पे जो शेयर्ड होस्टिंग है और वर्डप्रेस होस्टिंग है दोनों ही सेम है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के लिए उसको अलग अलग करके रखा है। लेकिन जो साइटग्राउंड पे होस्टिंग है शेयर्ड और वर्डप्रेस, वो दोनों ही अच्छी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो शेयर्ड होस्टिंग और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों में सेम ही चीजें बेचते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप मैं A2 होस्टिंग की बात करूं तो वहां पे आप लोगों को मैनेज होस्टिंग का अलग से ऑप्शन मिल जाता है, वहीं पर ही आपको नेम चीप में भी एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है। तो काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो सेम ही रखती है, काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो अलग अलग रखती है। तो ये चीज आप लोगों को उनके कस्टमर सपोर्ट से पूछनी पड़ेगी, क्या सेम है कि अलग अलग है। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडियो हम लोग यहाँ पे पहले डिफरेंसेस समझते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगी हमें। सो पहले हम लोग शेयर्ड होस्टिंग को समझते हैं। शेयर्ड होस्टिंग मीन्स एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स को रखा गया है। आपने एक सर्वर लिया, उसमें 100 वेबसाइट्स है, उसमें से 100 वेबसाइट्स में से आप लोगों को एक छोटा सा पार्टीशन मिला है कि भाई यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रख लो, तो वो होता है शेयर्ड होस्टिंग में। तो शेयर्ड होस्टिंग इज गुड फॉर बिगिनर्स, या फिर जिनकी लो ट्रैफिक है, या फिर जिनको एक सिंपल वन पेज वेबसाइट चाहिए रहती है, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी चीज है ये। अगर मैं यहाँ पे मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करूँ तो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में होस्टिंग को इस टाइप से ट्वीक किया जाता है कि वहां पे वर्डप्रेस थोड़े फास्ट चले, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स थोड़ी वहां पे फास्ट खुले, वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा एफिशिएंटली रन करे वहां पर। तो इस टाइप से मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग को थोड़े से ट्वीक्स ऐड कर दिए जाते हैं, मींस शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा ट्वीक्स ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर देते हैं। अब मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग को ये लोग शेयर्ड पे भी रख सकते हैं, वीपीएस पे भी रख सकते हैं, क्लाउड पे भी रख सकते हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग पे भी रख सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उन्होंने वो कहाँ पे रख के रखी है। जो यूजुअली जो शेयर्ड हो, इसलिए आपको यहाँ पे इसमें प्राइस में काफी सारे वेरिएशन दिखेंगे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में, कि आप लोगों को कहीं पे $5 पर मंथ मिलेगा, कहीं पे आप लोगों को $50 पर मंथ मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि कहीं पे उन्होंने शेयर्ड होस्टिंग लिए, कहीं पे क्लाउड लिए, तो प्राइस के फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ शेयर्ड होस्टिंग और दूसरी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग जो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर रखी गई है। तो जब आप लोग मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे तो आप लोगों को वर्डप्रेस पे ज्यादा स्पीड मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप लोग जब उस पे, आप लोगों को एक्स्ट्रा टूल्स मिलेंगे वहां पर, जैसे कि स्टेजिंग का टूल हो गया। आप लोग अगर साइटग्राउंड से लेते हैं तो आप लोग एक स्टेजिंग का टूल मिलता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। जब भी आप लोग कुछ नए चेंजेस करते हैं तो आप वो बैकएंड पे पहले कर सकते हैं, साइट को लाइव करने से पहले। जैसे आपको थीम चेंज करनी है, आपको नए प्लगइन्स वगैरह टेस्ट करने हैं, या आपको कुछ भी डिजाइन ओरिएंटेड करना है, तो पहले आप उसको स्टेजिंग में कर लीजिए, एंड देन जब आपके पूरे फीचर्स जब आप उसको कंप्लीट कर लें तब आप उसे लाइव कर सकते हैं। तो स्टेजिंग का काफी अच्छा फीचर है, सिक्योरिटी के अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं आप लोगों को यहाँ पर, बैकअप्स तो आजकल सभी में ही है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग बेसिकली एक ऐसा है कि शेयर्ड के ऊपर उन्होंने कुछ एडिशनल सर्विसेज डाल दिए जो कि आप लोगों को वर्डप्रेस में हेल्प करेंगे। सो दिस इज गुड फॉर वर्डप्रेस यूजर्स। अब इसमें जो प्राइस के वेरिएशंस आते हैं वो देखो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेड चीजें बताऊं तो अगर आप लोगों को शेयर्ड होस्टिंग पे जाना है तो साइटग्राउंड इज गुड फॉर शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए भी काफी अच्छा है। होस्टिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, उसका डिस्काउंट कूपन आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, बल्कि सभी के जो भी बेस्ट बाय लिंक्स रहेंगे, डिस्काउंटेड लिंक्स रहेंगे, वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बिग रॉक की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग लेनी है PHP और MySQL की वेबसाइट रन करने के लिए तो बिग रॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए हिंदी लैंग्वेज में तो बिग रॉक इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में सपोर्ट चाहिए तो बिग रॉक से आप लोग ले सकते हैं। फिर A2 होस्टिंग आता है, A2 होस्टिंग के भी शेयर्ड होस्टिंग अच्छी है। अगर यहाँ पे मैं मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करूँ तो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में
साइटग्राउंड एक ऐसी होस्टिंग है जो आप लोगों को शेयर्ड मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग देती है, जो कि काफी अच्छी है। तो आप लोग साइटग्राउंड डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट सोर्स करनी है तो। इसलिए मैं एक डेडिकेटेड एनालिसिस वीडियो कर चुका हूँ, उन लोगों का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो कर चुका हूँ, काफी सारे होस्टिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाए, उसकी प्लेलिस्ट का बटन मैं यहाँ पे आई पे आप लोगों को दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा। अगला है A2 होस्टिंग भी मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पे हो जाता है कंपेयर टू अदर शेयर्ड होस्टिंग ऑप्शंस। और अगर यहाँ पे मैं क्लाउड मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग पे आ जाऊं, जो कि और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे कि किंस्टा हो गया, WP इंजन हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, ये सब लोग आपको मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये क्लाउड पे रहती है। जैसे किंस्टा का शायद से आई थिंक गूगल क्लाउड है, तो ये लोग क्लाउड पे अपनी सर्वर्स लेके रखते हैं एंड देन ये मैनेज करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसपे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स अच्छी चल पाए। तो अब हम लोग कौन सी होस्टिंग ले, इन माय रिकमेंडेशन देखो यार, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, चीपेस्ट एंड गुड ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सस्ता भी है बेकार भी है, सस्ता और अच्छा ऑप्शन में आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन है, होस्टिंगर से स्टार्ट कर लो, एंड बिगरॉक भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको PHP MySQL चाहिए, और अगर आपको हिंदी सपोर्ट चाहिए तो बिगरॉक से स्टार्ट कर लो एंड देन यू विल मूव अप। फिर आप लोग जाएंगे साइटग्राउंड पे, फिर आप लोग वहाँ पे साइटग्राउंड की सर्विसेज यूज कर लो, फिर आपकी जब ट्रैफिक और बढ़ती जाए तब आप लोग किंस्टा पे चले जाओ। तो स्टार्ट विद शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड से आप लोग मैनेज वर्डप्रेस पे जाओ, मैनेज वर्डप्रेस जैसे साइटग्राउंड के मैनेज वर्डप्रेस पे जाओ, तब आप लोगों के थोड़े रेट्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे क्लाउड मैनेज पे, जैसे कि हो गई हमारी फ्लाई व्हील, WP इंजन, किंस्टा, इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। और अगर आपको सबसे और फिर भी आपकी अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है और आपको अच्छी ट्रैफिक हैंडल करनी है एट लो प्राइजेस कंपेयर टू व्हाट किंस्टा इज डूइंग, तो आप लोग क्लाउड वेज का भी यूज कर सकते हैं। सो ये थी माय रिकमेंडेशंस फॉर शेयर्ड एंड मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।